अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, प्रदेश में रहने वालों, आप लोग एंजॉय कर ही नहीं सकते हो प्रदेश को। बाहर गर्मी और धूप है 40 से 50 सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप यकीन माने इतनी गर्मी है, गई हुई है लाइट, मुझे आते हैं ओ भाई आप लोग यहाँ पे एसी क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे पंखे चलाने के लिए लाइट नहीं है तो कहाँ चलेगा एसी। जिन्होंने एसी लगाए हुए उन्होंने सोलर लगा लिए, जिन्होंने सोलर लगाए उनको इतने इतने बड़े बिल आ गए। ये एंजॉय करोगे? तुम जर्मनी रहते हो, तुम अमेरिका रहते हो, तुम फ्रांस रहते हो, तुम जापान रहते हो, तुम चाइना रहते हो, पता नहीं कौन कौन से मुल्क में रहते हो। 2024 में उस मुल्क में बिजली जाती है या जिसको बताओगे हमारे मुल्क बिजली नहीं आती, क्या वो यकीन करेगा? देखो, इस तरह की खुशियां आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगी। गर्मी इंतहाई लेवल पे है, बिजली है नहीं है, सर्दी इंतहाई लेवल पे है तो गैस नहीं है। वाह वाह वाह, जो लड़के काम कर रहे हैं ना, अगर मैं उनका हाल अभी आएंगे मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, वो गर्मी में पंखे के नीचे आके 5 मिनट बैठना चाहेंगे मगर बिजली नहीं है, वो मरना चाहेंगे, मरना जाएंगे तो क्या करेंगे। ये हमारा मुल्क है भाई, ये इस तरह की इंजॉयमेंट, इस तरह की फ्रेशनेस और इस तरह की माहौल आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगा। आपको मैं यहाँ से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इलाके जहाँ पे आपको दरख्त भी नज़र नहीं आएगा, दरख्त लगाए भी नहीं, लोगों ने दरख्त काट के वहाँ पे बर्फ का फट्टा लगा दिया है, दरख्त काट के वहाँ पे चारपाई लगा दी हुई है, या कोई मसाला है अपना पिलर लगा दिया घर का, दरख्त भी गायब कर दिए। तो कुछ तो हुकूमतों की हैं, कुछ अभी देखें, अभी ये तो मैंने शुक्र है एक अपना यहाँ पे ये दरख्त लगाया है, एक ये लगाया है, एक वहाँ पे लगा हुआ है, अभी एक ये इसकी मैंने बड़ी टहनी लगा के लगाई है, मगर यकीन माने यहाँ पे दरख्त लगाने वाले काम में उखाड़ने वाले ज़्यादा। ये ऐसा अभी जब मैं कोरिया में था ना, मैं हैरान हो जाता था कि यार ये एक दरख्त के ऊपर इतनी मेहनत क्यों करते हैं। 6 महीने तो वहाँ बर्फ़ रहती थी, बर्फ़ में वो लकड़ी बन जाती थी, उसको यहाँ से भी सपोर्ट देते थे, यहाँ से भी सपोर्ट देते थे, उसके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल फेंकते थे कि ये ख़राब ना हो जाए, जैसी गर्मी आती वो खिल जाता हो इस तरह, मतलब कि उन्हें पता था कि ये ऑक्सीजन देगा हमें, हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों के लिए। हमारे पाकिस्तान में दरख्त ही नहीं लगाते, तो गर्मी तो 40 से 50 और 50 से 60 तक जानी है। अभी लड़के आएंगे, उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा मैं। लड़के अभी आए हैं, इंसान तो इंसान, गाड़ियों का भी जो है ना बिल्कुल पानी निकल गया है। अभी इसने इसको रेडिएटर को पानी दिया ताकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। अभी मैं लड़के का बताता हूँ, बिजली ना हो तो कितना दिमाग शार्ट होता है। सुनावा माम भाई, बत्ती गई है? बत्ती गई है, फिर की बंदे ने गुस्सा चढ़ता है? हाँ तो भाई ये बिजली नहीं हो, ऊपर से ऑर्डर हो गर्मी में, धूप देख सकते हैं। ओए हो, अभी दूसरे दो बंदे जो हैं वो वहाँ पे भी ईंट पे, उनका भी हाल बुरा ही है। तो ये हमारे पाकिस्तान में इसी खुशियाँ कहाँ मिलेंगी तुम लोगों को यार, बाहर में मालिक में। ये देख रहे हैं ये अभी, ये दो लड़के ने अभी इन्होंने ईंट लोड करनी है, वो DHA आया लेके जाने के। तो भाई लाइट तो आई नहीं है, तकरीबन 2:30 बजने वाले हो गए। मैं 1:30 बजे सोच रहा था खाना खाने जाऊँ, मगर लाइट नहीं है, गर्मी ने यकीन मानो हालो बेहाल किया, पता नहीं पसीना नज़र ही नहीं आ रहा है, मगर बुरा हाल हुआ हुआ है। अभी जाता हूँ खाना खाता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, बल्कि जाके नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर आऊँगा काम पे। देसी घी की रोटी है, भिंडी का प्याज का सालन है, अनारदाने की चटनी है, बेसन की कड़ी है, और ये जुनेद मुझे खाना नहीं खाने दे रहा। इस तरह भाई नमकीन कच्ची लस्सी बनाई है, पूरा जग पिए तो गर्मी दूर हुई है। अब जाता हूँ दोबारा अपने ऑफिस, काम शाम देखता हूँ, फिर आऊँगा घर पे। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।